नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम दुबे। आज मैं इस बार से फैजाबाद में अयोध्या जी में था और हमारे डायरेक्टर अनिल यादव जी की एक फिल्म की यहाँ मुहूर्त है जिसका नाम है इत्तेफाक एक साजिश। उस फिल्म में प्रिया सिंह हीरोइन है, मैं इसे विलन कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें, और बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं अनिल यादव जी। मैं इस फिल्म के बारे में यह कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर जो अनिल यादव जी हैं, दूसरी उनकी लाइफ की फिल्म है, ऐसे युवा वर्ग हैं, यूथ हैं। अभी इससे पहले उन्होंने मेरे एक फिल्म बनाया था बदलापुर, पिछली लॉकडाउन में उन्होंने बदलापुर बनाया था और इस लॉकडाउन में फिर इन्होंने इत्तेफाक एक साजिश बना रहे हैं, और अच्छे डायरेक्टर हैं, उलझे हुए डायरेक्टर हैं, उलझे हुए अच्छी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से क्या, इस फिल्म से यही देना चाहूँगा, ये फिल्म जो है वुमेंस ओरिएंटेड फिल्म है। एक महिलाओं को मतलब किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको सताया जाता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो सताने के बाद लाचार हो जाती हैं, शायद वो सुसाइड की तरफ चली जाती हैं या अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन इसमें उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक बल देने के लिए इस फिल्म में क्रिएटिविटी किया गया है, मतलब एक प्रमोशन किया गया है कि उनको जो है आगे प्रोत्साहित हों, उनको बल मिले कि नहीं, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसको अच्छे से निपटने का एक तरीका हो। इस फिल्म में यही दिखाया जा रहा है। इस फिल्म में कितने लोग, अच्छा इस फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर हैं, संजय वर्मा जी हैं, अनुप अरोरा जी हैं और अयाज खान जी हैं, मतलब इंडस्ट्री भोजपुरी के अच्छे अच्छे कलाकार इसमें सब हैं, और लोकल कलाकार यहाँ फैजाबाद के हो सकते हैं, बहुत सारे कलाकार लोकल भी रहेंगे। चूँकि उद्देश्य यही है डायरेक्टर का कि फैजाबाद में शूटिंग करने का, कि लोकल एक्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रमोट मिले। एक से एक एक्टर हमारे यहाँ जो उनको जगह नहीं मिल पाती है, तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, फैजाबाद के एक्टरों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं।